वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं डॉक्टर कौशल अली आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। स्पॉन्डिलाइसिस क्या है, इसके टाइप्स और इसकी अहम वजहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हेल्थ और स्वास्थ्य से लेकर जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले, तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर दबाएँ, बेल का नोटिफिकेशन दबाएँ कि हेल्थ और जो स्वास्थ्य से लेकर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, जिनमें से एक है स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। स्पॉन्डिलाइटिस को हम स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस दो यूनानी शब्द स्पॉन्डिल तथा आर्टिस से मिलकर बना है। स्पॉन्डिल का अर्थ है वर्टिब्रा तथा आर्टिस का अर्थ सूजन होता है। इसका मतलब वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायत को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। इससे पीड़ित की गर्दन को दाएं बाएं और ऊपर नीचे करने में काफ़ी दर्द होता है। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आमतौर पर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डियों को असामान्य बढ़ोतरी और वर्टिब्रा के बीच कुशन में कैल्शियम की कमी और अपने स्थान से सरकने की वजह से होता है। आमतौर पर इसके शिकार 40 की उम्र पार कर चुके पुरुष और महिलाएं होती हैं, लेकिन आज की जीवन शैली में बदलाव के कारण युवावस्था में भी लोग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है इसकी समस्या का प्रमुख कारण है गलत पोश्चर, जिससे मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। एक दशक पहले आंकड़ों की तुलना करें तो इस बीमारी के मरीजों की संख्या 3 गुनी बढ़ी है। वे युवा ज़्यादा परेशान मिले हैं जो IT इंडस्ट्री और BPO में काम करते हैं, या जो लोग कंप्यूटर के सामने अधिक समय बिताते हैं। अनुमान में हमारे देश का हर 7वां व्यक्ति गर्दन, पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान मिल जाता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से पीड़ित है। अब बात करेंगे दोस्तों स्पॉन्डिलाइटिस के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, कि कितने टाइप का स्पॉन्डिलाइटिस होता है। शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करने के आधार पर स्पॉन्डिलाइटिस को 3 प्रकार का होता है। पहला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन में दर्द सर्वाइकल को प्रभावित करता है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। ये दर्द गर्दन के निचले हिस्से और दोनों कंधों, कॉलर बोन और कंधों जोड़ तक पहुंच जाता है। इससे गर्दन घुमाने में परेशानी होती है और कमज़ोर मांसपेशियों के कारण बाहों का हिलाना भी कठिन होता है। दूसरा है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें स्पाइन में कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। और तीसरा है एंक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये बीमारी जोड़ों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। रीढ़ की हड्डी के अलावा कंधे, कूल्हा जोड़ प्रभावित होते हैं। एंक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने पर स्पाइन, घुटना, एड़ियों, कूल्हे, कंधे और गर्दन में जबड़े कड़े हो जाते हैं। सिम्टम ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन या पीठ के दर्द में उनका कड़ा हो जाना। यदि आपका स्पाइनल कॉर्ड दब गई है, उसमें ब्लैडर बाउल का नियंत्रण खत्म हो सकता है। इस रोग का दर्द हाथ और उंगलियों से सिर तक हो सकता है। उंगलियों सुन्न होने लगती हैं। कंधे, कमर या निचले हिस्से और पैरों ऊपरी हिस्से में कमजोरी और कड़ापन आ जाता है। कभी कभी सीने में दर्द होने लगता है। मांसपेशियों सूजन आ जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द गर्दन से कंधों, वहाँ से होता हुआ कंधों के सिर के निचले हिस्से, पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुँच सकता है। छींकने, खांसने और गर्दन की दूसरी गतिविधियों में लक्षण गंभीर बन सकते हैं। शारीरिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। समय बीतने के साथ गंभीर भी हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होने पर सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती। गंभीर होने पर बुखार, थकान, उल्टी आना, चक्कर आना, भूख में कमी जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस होने की अहम वजहें हैं भोजन में पोषक तत्व और कैल्शियम, विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का कमज़ोर हो जाना स्पॉन्डिलाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण है। बैठने या खड़े रहने का गलत तरीका आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या का सामना करवा सकता है। बढ़ती उम्र भी एक अहम कारण है स्पॉन्डिलाइटिस होने की। मसालेदार ठंडी बासी चीज़ों को खाने से भी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। आलस भरे जीवन भी आपको आगे चल के स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी दे सकता है। लंबे समय तक ड्राइविंग करना खतरनाक साबित हो सकता है। महिलाओं को अनियमित पीरियड आने से भी एक बड़ी वजह बन सकती है स्पॉन्डिलाइटिस होने की। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों का क्षय होना भी एक कारण है। अक्सर फ्रैक्चर के बाद भी हड्डियों में क्षय की स्थिति होने लगती है। स्पॉन्डिलाइटिस में राहत पाने के आसान तरीके हैं कि सेंधा नमक में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर में pH स्तर को नियंत्रित करता है, गर्दन में अकड़ और कड़ेपन को कम करता है। लहसुन, आधे गिलास पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे गर्दन के प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं या गुनगुने पानी में 2 कप सेंधा नमक डालकर रोजाना स्नान करें। इन दोनों तरीकों से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लहसुन सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चा लहसुन नियमित खाया जाता है।
तेल में लहसुन को पका कर गर्दन की मालिश करें, इससे दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दरअसल लहसुन में दर्द निवारक गुण होता है जो सूजन को कम करने में काफ़ी फायदा पहुँचाता है, इसलिए इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। स्पॉन्डिलाइटिस में राहत के लिए हल्दी भी एक अहम भूमिका निभाती है। हल्दी असहनीय दर्द को ख़त्म करने का सबसे कारगर दवाई साबित हुई है। इतना ही नहीं, ये मांसपेशियों खिंचाव को भी ठीक करती है। और तिल के तेल को गर्म करें, तिल के में गर्दन की हल्की मालिश करें, 5 से 10 मिनट तक करें। फिर वहाँ गर्म पानी की पट्टी डालें। अब 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पिएं, दर्द से निजात मिलेगा, गर्दन में अकड़ भी होगी। तिल में मैग्नीशियम होती है जो स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में तिल काफ़ी कारगर साबित होता है। आराम पाने के अन्य तरीके हैं, पौष्टिक भोजन खाएं, विशेषकर ऐसा भोजन जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हो। चाय और कैफीन का सेवन कम करें, पैदल चलने की कोशिश करें, इससे बोन मास बढ़ता है। शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, नियमित व्यायाम करें, योग करें, हमेशा आरामदायक बिस्तर पर सोएं। इस बात का ध्यान रखें बिस्तर ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। स्पॉन्डिलाइटिस पीड़ित लोगों को गर्दन के नीचे या पैरों में तकिए रखने की आदत से बचें। अगर आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Thank you for watching.